तो हेलो भाई लोग, जैसे कि आज का ये हमारा वीडियो भाई इन दोनों स्पीकर के कंपेयर के ऊपर होने वाले। जैसे कि अगर आप 15 इंची में टॉप के लिए बेस्ट स्पीकर खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि इंडिया मार्केट में जो इस समय सबसे ज़्यादा स्पीकर चल रहा है, एक तरफ आपको PIDO का 308 स्पीकर देखने को मिल जाएगा और एक तरफ आहूजा का 308 स्पीकर। ये दोनों स्पीकर हमको 15 इंच साइज में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं भाई, PIDO का स्पीकर साउंड क्वालिटी के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है और वहीं पे भाई आहूजा का भी स्पीकर हमारे इंडिया मार्केट में काफ़ी बेस्ट माना जाता है साउंड क्लियरिटी के लिए भाई। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों स्पीकर के कुछ डिटेल और साथ ही साथ में बात करेंगे जैसे कि इन दोनों स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस की, ये दोनों स्पीकर हमको हमारे मार्केट में इस समय कितने प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। तो फुल डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और प्राइस भी आपको अच्छे से मालूम चल पाएगा जो कि इस समय हमारे इंडिया मार्केट में इन दोनों स्पीकर का कितना प्राइस रेंज है। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस तरीके से वीडियो आप सबके लिए बनाना पड़ता है और आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमको काफी ज्यादा मोटिवेट मिलता है इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी स्पीकर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने एक ही स्क्रीन पर दोनों स्पीकर रख लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको एक तरफ देखने को मिल जाएगा PIDO का स्पीकर और एक तरफ आहूजा का स्पीकर। जैसा कि इन दोनों स्पीकर को हमने भाई एक ही स्क्रीन पर रखा है, इससे आपको अच्छे से मालूम चल पाएगा जैसे कि इन दोनों स्पीकर का डिटेल और इन दोनों स्पीकर में से हमको बेस्ट स्पीकर कौन सा देखने को मिलता है। जैसा कि दोनों स्पीकर के साइज की बात की जाए तो हमको दोनों स्पीकर 15 इंच में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्पीकर के मॉडल नंबर की। जैसा कि पहले बात करते हैं PIDO का मॉडल नंबर, जैसे कि इस स्पीकर का मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाता है 15MB 300B V3। जैसा कि इस स्पीकर का हमको मॉडल नंबर देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको यहां पे साफ साफ देखने को मिल जाता है 15MB 300V V3। जैसा कि भाई मॉडल नंबर आपको अच्छे से मालूम चल जाता है, ये स्पीकर 15 इंच का है और 300W का है। जैसे कि मॉडल नंबर इसीलिए होता है, स्पीकर जैसे कि कई स्पीकर होते हैं और स्पीकर का मॉडल नंबर से हम स्पीकर की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि इसी कंपनी के कई स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, मॉडल नंबर से हम स्पीकर की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आहूजा स्पीकर के मॉडल नंबर की। जैसे कि इस स्पीकर का मॉडल नंबर आप देख सकते हैं L15MB300। जैसे कि इस स्पीकर का मॉडल नंबर आपको साफ साफ देखने को मिल जाते हैं L15MB300। जैसे कि ये हमारा स्पीकर 15 इंच का और ये भी स्पीकर हमको 300 वाटेज में देखने को मिल जाता है। और इन दोनों स्पीकर के वाटेज की बात की जाए तो ये हमको जैसे कि PIDO का स्पीकर 300W AES पावर में देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आहूजा की वाटेज की बात की जाए तो ये हमारा स्पीकर 300W RMS पावर में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये चीज आपको काफी ध्यान में रखना है, जैसे कि AES पावर और RMS पावर क्या होता है। जैसे कि AES पावर ये होता है, जैसे कि भाई ये स्पीकर 300W का पूरा नहीं है, जैसे कि स्पीकर का AES पावर यही होता है, जैसे कि 4 का भाग भाई 3 में करोगे इसका वाटेज जो निकल के आया भाई वो भी हम आपको बताएंगे। और ये जो आहूजा का स्पीकर है RMS पावर वाला, ये पूरा हमारा 300W का स्पीकर होता है। यही मान के चलिए AES पावर वाला स्पीकर कम होते हैं। जैसे कि RMS पावर की बात की जाए तो ये हमको 230W का होता है हमारा ये स्पीकर। जो PIDO का स्पीकर होता है RMS पावर में हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि भाई 230W का ये पूरा हमारा स्पीकर होता है। और आहूजा का स्पीकर हमको फुल जैसा कि पूरा का पूरा 300W में ही देखने को मिल जाता है। जैसा कि वाटेज के मामले में भाई हमारा आहूजा का स्पीकर आगे की तरफ निकल के आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाते हैं वाटेज में, जैसा कि अंतर आपको RMS पावर और IS पावर में। होइस कॉइल की बात की जाए तो PIDO के इस स्पीकर में हमको 3 इंच का होइस कॉइल देखने को मिल जाता है और यहीं पे आहूजा के होइस कॉइल की बात की जाए तो इस स्पीकर में हमको 3 इंच का होइस कॉइल देखने को मिल जाता है। जैसा कि होइस कॉइल की बात की जाए तो दोनों स्पीकर में हमको सेम होइस कॉइल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों स्पीकर के फ्रीक्वेंसी रेंज की, जैसा कि कौन से स्पीकर हमारा कितना बेस और कितना आवाज निकाल के देगा। पहले बात करते हैं PIDO के फ्रीक्वेंसी रेंज 4500 से लेके 3500 तक देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छा हमको फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल जाता है PIDO के इसी स्पीकर में। अब बात कर लेते हैं आहूजा के इसी स्पीकर के फ्रीक्वेंसी रेंज के, इसी स्पीकर में हमको सेम फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल जाता है 4500 से 3500 तक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोनों स्पीकर में हमको सेम फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों स्पीकर के सेंसिटिविटी की, जैसे कि सेंसिटिविटी से हम ये मालूम कर सकते हैं हमारा कौन सा स्पीकर कितना तेज बजने वाला है। जैसे कि PIDO के इसी स्पीकर में सेंसिटिविटी 97 dB देखने को मिल जाता है, जैसे कि और आहूजा के इसी
स्पीकर में हमको सेंसिटिविटी 99 dB सेंसिटिविटी के साथ देखने को मिल जाता है। इससे ये मालूम चलता है आहूजा के स्पीकर हमारा काफी तेज बजने वाला है और पियाडो के स्पीकर में हमको आहूजा के मुकाबले इसमें थोड़ा कम आवाज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि भाई सेंसिटिविटी के मामले में हमारा आहूजा का स्पीकर काफी आगे निकल के जाता है। जैसे कि आप साफ साफ यही जानिए जिस स्पीकर का सेंसिटिविटी जितना ज्यादा रहता है उस स्पीकर से आवाज हमको उतना ही तेज देखने को मिलता है। जैसा कि हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये स्पीकर खराब है और ये अच्छा है। जैसे कि साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही स्पीकर में हमको साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्पीकर हमारे काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। और जैसा कि फर्क इन दोनों स्पीकर में बस हमको इतना देखने को मिलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि अगर आप थोड़ा ज्यादा बेस चाहते हैं और आवाज थोड़ा कम चाहते हैं तो भाई पियाडो के स्पीकर की तरफ जा सकते हैं। और आवाज और बेस दोनों ही चाहते हैं, जैसे कि थोड़ा ज्यादा तेज आपको बजने वाला स्पीकर चाहिए तो आप आहूजा के स्पीकर की तरफ जा सकते हैं। तो आहूजा के स्पीकर हमारा मिड बेस के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। और भाई पियाडो के स्पीकर से आप जैसे कि डीजे पे टॉप लगाते हैं, टॉप लगाना चाहते हैं तो भाई पियाडो के इस स्पीकर की तरफ जा सकते हैं। इस स्पीकर में बेस हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। और आहूजा के इस स्पीकर से आपको जैसे कि पियाडो के स्पीकर से जैसे कि 19 pieces आपको बेस देखने को मिलेगा। जैसे कि बेस इसका 20 है तो आहूजा का थोड़ा 19 रहेगा और आवाज काफी तेज रहेगा। जैसे कि पियाडो के मुकाबले इस स्पीकर में हमको आवाज काफी तेज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि साउंड क्वालिटी आप चेक करेंगे, अगर साउंड टेस्टिंग चेक करें तो पियाडो के स्पीकर में थोड़ा आपको बेस देखने को मिलेगा और जैसे कि इस स्पीकर में आपको बेस थोड़ा कम देखने को मिलेगा। नेट वेट की बात की जाए तो ये हमारा पियाडो का स्पीकर 8 kg का देखने को मिल जाता है और आहूजा का स्पीकर हमारा 8 kg 15 g में देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस की। जैसे कि प्राइस भी बहुत ज्यादा ही मैटर करता है हमारे बजट के हिसाब से, हमको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पियाडो के इस स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस की कि ये स्पीकर हमको हमारे मार्केट में कितने प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। जैसे कि पियाडो के स्पीकर का प्राइस आप देख सकते हैं 5300 rupees में हमको ये स्पीकर का प्राइस देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप अच्छे डीलर से लेंगे तो यही प्राइस रेंज में ये स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। और आहूजा के इस स्पीकर के प्राइस की बात की जाए तो इस स्पीकर का प्राइस इस समय हमारे मार्केट में 5500 rupees में आहूजा का स्पीकर का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर के यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि 200 rupees भाई आपको अप डाउन देखने को मिलता है दोनों स्पीकर में प्राइस। जैसा कि आपके पास कम बजट है तो भाई पियाडो के इस स्पीकर की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा लगा के भाई आहूजा के भी स्पीकर ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, आप थोड़ा बेस में चाहते तो भाई पियाडो का स्पीकर ले सकते हैं और थोड़ा जैसे कि आवाज और लाइव प्रोग्राम के लिए चलाना चाहते हैं तो आहूजा के स्पीकर ले सकते हैं। और जैसे कि इन दोनों स्पीकर के कंपेयर की बात की जाए तो जैसे कि आहूजा के स्पीकर थोड़ा आगे की तरफ निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे इस स्पीकर का प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ज्यादा प्राइस आपको देखने को नहीं मिलता, 100-200 मिला के भाई आहूजा का स्पीकर ले सकते हैं। तो आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा जैसे कि इन दोनों स्पीकर का डिटेल और इस समय का प्राइस हमने आपको बताया तो आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा जैसे कि इन दोनों स्पीकर का डिटेल। और भाई अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्पीकर यूज कर रहे हैं, इन दोनों स्पीकर का रिस्पॉन्स और आपके अपने मार्केट में इन दोनों स्पीकर का प्राइस कितना देखने को मिल जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और भाई आज का ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। और भाई इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भाई बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि हम डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।